आज राई सब्जी बनाएंगे। राई सब्जी बनाने के लिए सब सब्जियां ऐसे एक ही साइज में काट के लिया है। इसमें बीन्स, इसको चौ चौकाई कहते हैं साउथ में, ग्वार फली, आलू, बैंगन, कैरेट, नावल कोल, इन सब सब्जी को ऐसा काट के लेते हैं। और टमाटर, 5-6 टमाटर ऐसा काट के लिया है। अदरक मिर्ची, इसको मिक्सी में डाल के मिक्सी कर लेते हैं। अभी इसको चौंक लगाते हैं। मैं ऑयल डाल रही हूँ कुकर में, 1 KV जितना ऑयल। इसमें राई ज़्यादा पड़ता है क्योंकि इसका नाम राई सब्जी है, तो इसलिए राई ज़्यादा पड़ता है इसमें। चौंक में राई डाल रही हूँ। राई अच्छा चटकने के बाद हींग, कड़ी पत्ता, 1 KV जितना बेसन। बेसन डालते ही गैस को स्लो करके ऐसा भूनना है, बादाम कलर आवे उतना भूनना है। देखिए अच्छी तरह से वो भून रहा है, देखिए ऐसा कलर आवे, बादाम कलर आवे, लाइट ब्राउन। जो पीस के रखा है ना टमाटो पीस, अदरक मिर्ची टमाटो, तो वो इसमें डाल रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा दूर रह करके डालें नहीं तो उड़ता है ये। 2 स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 स्पून धनिया, 1/4 स्पून हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी सब सब्जियां इसमें डाल रही हूँ। देखिए इतना पानी हम डालने से बस है, फिर चाहिए तो बाद में गर्म पानी डाल सकते हैं। तो अभी कुकर ढक के 3 विशल लेने से राई सब्जी रेडी।